तो अभी तक बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन फिनिश कर चुके हैं। आप अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड पढ़ चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं, और अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। इजीएस्ट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि हमें ध्यान है COOH ग्रुप, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। OH हटा के अगर हम कुछ और लगा दें तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में OH हटा के CL लगा दिया, OH हटा के NH2 लगा दिया, और ऐसे ही OH हटा के एल्कोहल लगा दिया, तो एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सीखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाएगा। बहुत आसान मेथड है, इजी मेथड। आपके पास सपोज एसिड क्लोराइड है, या आपके पास एसिड अमाइड है RCONH2, या आपके पास एस्टर है, कोई भी आपके पास एसिड डेरिवेटिव है, एस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड वगैरह, या एनहाइड्राइड, इन सभी के केस में अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहां पर ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पे OH लगेगा, NH2 हटेगा उसकी जगह पे OH लगेगा, OR हटेगा उसकी जगह पे OH आएगा, ये पूरा ग्रुप हटेगा इसकी जगह पे OH आएगा। तो पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई भी आपके पास एसिड डेरिवेटिव होगा, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरेट कर पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बना पाएंगे। हमारा पहला मेथड। अगला मेथड है, अगर आपके पास कोई साइनाइड है, ये मैं पहले भी आपको अल्काइल हैलाइड में सिखा चुका हूं। साइनाइड्स पे डाइल्यूट HCl की रिएक्शन, और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पांच मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुरंत याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां से ग्रुप निकालें, ये बनाएं, और ये पांचों के पांचों मेथड्स इजीली, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ऐसे ही एक आध मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके अंदर और सीखते हैं। सिक्स्थ मेथड है, आपको कोई भी अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल पे KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो अल्कोहल में भी पड़ा है, कोई भी अल्कोहल हो KMnO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन होगी। आपके पास टॉलीन है, टॉलीन पे KMnO4, ये भी हम रिएक्शन जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, पूरी की पूरी चेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो रिएक्शन से ज्यादा रिएजेंट का फंक्शन याद करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप KMnO4 का फंक्शन जानते हैं तो यहां मैं कुछ भी दे दूं, आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, प्रोडक्ट वहां पे बनेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट में याद रखना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMDX ड्राई आइस। अगर ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहां पर इस तरह की स्पीसीज बनती है, यानी CO2 इनके बीच में आ जाएगा और फिर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहां से इतना पोर्शन बाहर जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को आप अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे, बात बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। प्रिपरेशन याद हो गया तो प्रॉपर्टीज भी, वो कौन सा मुश्किल काम है, आप इनकी प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में बताता हूं, सीखना आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विद मैटर, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विद अमोनिया,
कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन रिएक्शन विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये जानना है. कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद ट्वाइस NaOH CaO, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं या जिनको आसानी से कर सकते हैं. ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड पे PCl5 SOCl2 कुछ भी, तो बताइए क्या होगा. सोडियम यहां पर और ये देगा RCONa हाफ H2. हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, आग लगती है अगर हाइड्रोजन है. यहां से रिएक्शन OH हटेगा और उसकी जगह पे NH2 आ जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी. एसिड से अमाइड, अभी प्रिपरेशन में अमाइड से एसिड पड़ा था, इससे उल्टा. अगर एल्कोहल और एसिड है, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं और यहां पे इस तरह से हमारे पास एस्टर बनेगा. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दो कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर बाहर, इस तरह से एनहाइड्राइड बनेगा. एनहाइड्राइड ट्वाइस NaOH CaO, ये भी कन्वर्जन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. डीकार्बोक्सिलेशन, इनकी प्रेजेंस में CO2 बाहर जाएगा और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन में. और ये लास्ट में SOCl2 आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, OH की जगह Cl, और इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट. तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को समझना मुश्किल था? हरगिज नहीं, बड़ी आसानी से समझा. देखिए, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई. अब होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे, HVZ रिएक्शन जिसकी फुल फॉर्म भी बड़ी चमत्कारी है, हेल वुलहार्ड ज़िलिस्की रिएक्शन उसे कहा जाता है. आपने एक उस रिएक्शन को पढ़ना है. इसके अलावा पिछले चैप्टर्स में कराई गई रिएक्शन बोरोडिन रिएक्शन, आपने उसको पढ़ना है. तो ये तीन रिएक्शन आपने होमवर्क में करनी है. आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी हम आपको इन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप इस रिएक्शन को जरूर कर पाए. और इनके सॉल्यूशंस, इनके बारे में आप बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करें. जो बच्चे व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड हैं, मैं बार बार कहता हूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड हैं, उनके पास एक्सरसाइजेज और नोट्स भेजे जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए अपनी फर्दर स्टडी के लिए. जो रजिस्टर्ड नहीं है वो सब्सक्राइब करने के बाद और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के रजिस्टर्ड होके एग्जामिनेशन तैयारी को एक्सेलरेट कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.